क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आ सकता है, ये अपना में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो तुम लोग इसमें ढूंढने में लग जाते हो कि होगा कैसे, जबकि ये और सवालों सबसे आसान होता है। बस एक ही बार आया एग्जाम में ऐसा सवाल, ये नहीं आया है इस जैसा आया, मतलब ये नंबर बदले हुए होंगे। तो देखो करना क्या है इसमें, वो इसमें निकलवा रहे हैं कि कुल धारा ज्ञात कीजिए। अब कुल धारा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, धारा बराबर या विद्युत धारा बराबर क्या, के ऊपर तो आया था विद्युत वाहक बल और नीचे प्रतिरोध, यानी कि आई बराबर ई अपॉन आर हो जाता है। लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध दिया है ना तो आर प्लस आर हो जाता है, पता है इस बात का। अधिकतम शक्ति प्रमेय भी किया था और भी कई बार हमने किया हुआ है, क्या है बराबर ये हो जाता है। अब इसे जो है तुम समीकरण नंबर एक मान लोगे, क्योंकि हमें अभी यहाँ कुछ भी नहीं पता है, यहाँ अभी हमें कोई भी मान नहीं पता है, ना ई का मान पता है, ना आर का, ना इस आर का। अब एक अक्कर का मान निकालने पड़ेंगे। देखो इधर, तो दिया क्या है, दिया क्या है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा परिपथ में कैपिटल आर का मान कितना है। कितना है पहले, कैपिटल आर होता है बाह्य प्रतिरोध, कितना। अब देखो इधर, ई वन का मान अलग दिया है, ई टू का अलग दिया है, ई थ्री का अलग दिया है। ई का मान ये होता है, एक में दिया 4, एक में दिया 3, एक में दिया 6। कुल सेल निकाल देंगे हम, क्या कुल सेल कितने हो जाएंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जो है वो ई बराबर ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। यानी कि एक बैटरी हमारे पास 4 वोल्ट की थी, एक 3 वोल्ट की थी और एक 6 वोल्ट की थी, कितनी हो गई, 13 वोल्ट की बैटरी बन गई है। कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे इसमें आंतरिक प्रतिरोध कितना हो रहा है। बैटरी बैटरी का अपना भी प्रतिरोध है, तो हम R बराबर जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम है, यह श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। अगर यही समांतर क्रम में लगे होते ना तो हम इन्हें 1/1 करके जोड़ते। तो जी कितना आ गया, एक तो है एक, एक है 1.5, कितना हो जाएगा 3.5 और 1/6। तो अब कुल प्रतिरोध क्या, जो हम बात करें कुल प्रतिरोध की नहीं, अब सीधी सीधी समीकरण एक से बात करेंगे हम। आई बराबर ई का मान कितना आया है 13, आर का मान आया 6 और कैपिटल आर का मान आया 15। पहली बात तो यही आंसर है, लेकिन धारा हमें पॉइंट में निकाल के दिखा देनी होती है, तो क्या कर देंगे हम 21 से 13 को डिवाइड करके दिखा देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 21 पंजे 21 छंग भी हो जाएगा 4। अब अगर जो हम 0 भी बढ़ाएंगे, एक बार अब सुन लो काम के बाद, इधर सेलों का क्रम जब आ जाए ना तो क्रम देख लेना कि सारे के सारे सेल जो वो प्लस माइनस कैसे, मतलब पहले का प्लस जो दूसरे के ऐसे, पहले का माइनस जो दूसरे के प्लस से, दूसरे का माइनस जो ऐसे करके एक के बाद एक क्रम में जुड़े। अगर सेल ऐसे जुड़े होते, सोचो कि एक सेल तो तुम्हारा ऐसे जुड़ा है, एक सेल ऐसा जुड़ा होता, उल्टे हो जाते। तो इन दो ये वाला सेल जो है ना, अब देखो धारा इसमें क्या थी, धारा की दिशा इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें इसमें ऐसे नहीं होती, इसमें इधर को होती, तो 4, 3 और ये -6 होता, क्योंकि बैटरी विपरीत क्रम में जोड़ दी, तो ये वाली बैटरी बढ़ाने के बजाय घटाएगी। अब ये पावर बढ़ाएगी नहीं, अब तो घटाएगी, क्योंकि इसके सिरे उल्टे हो गए। तो अगर इस तरीके से सेल आ जाए तो तुम्हें ऐसा कर देना है, समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। फिलहाल तो हमारा सीधा वाला ही है, तो एग्जाम में किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है, तुम्हें हर तरीके के लिए तैयार रहना है, तीर भी लगा देना इस पर, ये उतार लेंगे और इस तरीके का सवाल भी आता है तुम्हारा। हाँ जी सर, जल्दी बताओ जी क्या हो गया।
देखो जरा, जो जाए ना अभी वहीं रुक जाओ, उसके बाद बना लेना जो भी है पूरा। अभी तुम देख लो पहले एक मिनट। वो कह रहे हैं कि मीटर सेतु के प्रायोगिक परिपथ में तार ए बी जो वो 2 मीटर लंबी है, कोई तार है, जब प्रतिरोध बाय बराबर 2 ओम है तथा जोकी की स्थिति इस प्रकार है कि AJ बराबर 1.2 मीटर, AJ बराबर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो 1.2 मीटर, तो धारा मापी में कोई विक्षेप, कोई धारा नहीं है, मतलब ये संतुलन की अवस्था में। अज्ञात प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करवा रहे हैं वो। यदि तार की प्रत्येक अंग लंबाई में प्रतिरोध 0.11 ओम प्रति सेंटीमीटर है, इसे हमें एक्स का मान निकालना है। मीटर सेतु से हम किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ही ज्ञात करते हैं। अब सुन लो करेंगे कैसे। दरअसल मीटर सेतु कोई नई चीज़ नहीं होती है, मीटर सेतु ना व्हीटस्टोन सेतु ही होता है। उसमें एक मान जो होता है ना, ये हो जाता है पी, ये हो जाता है क्यू, और ये बन जाता है आर, और ये हो जाता है एस। तो हम कहेंगे देखो सर, जब धारा मापी में जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है तब मीटर सेतु संतुलन की स्थिति में है। और इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में P/Q बराबर जो है ना वो R/S के होते हैं। ये कंडीशन सबको पता है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की कंडीशन होती है। अब हमें देखो R का मान तो ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें जरूरत भी नहीं है। Y का मान हमें ज्ञात है, Y का मतलब S का मान हमें ज्ञात है। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस प्रतिरोध का मान नहीं पता, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं पता है। लंबाई पता है, प्रतिरोध नहीं पता है। तो क्या है कि हमें पी का मान निकालना है। यहाँ से यहाँ तक उन्होंने लंबाई दी है 1.2, देखो टोटल ताल की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर को ना हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई कभी ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एकांक लंबाई में प्रतिरोध दिया है ना, वो प्रति सेंटीमीटर में दिया है। तो पूरे तार की लंबाई को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी है उन्होंने, 1.22 का मतलब 120 सेंटीमीटर पर संतुलन की स्थिति पूरी हो जाती है यहाँ। तो ये कितनी बची होगी, ये इतनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। अब उन्होंने बताया है कि एक लंबाई में, प्रत्येक अंग लंबाई में प्रतिरोध इतना है, यानी कि एक लंबाई में प्रतिरोध जो ना, एक लंबाई जो होगी उसमें इतना है, तो 120 में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 120 से गुणा कर देंगे। वो कहते हैं ना प्रत्येक अंग लंबाई में प्रतिरोध इतना है, तो एक लंबाई में प्रतिरोध, जब एक लंबाई होगी मतलब एक सेंटीमीटर होगी, तो प्रतिरोध इतना होगा, तो 120 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो हम 120 से इसकी गुणा कर देंगे तो हमें पी का मान मिल जाएगा। ऐसे ही एकांक लंबाई में इतना है, तो जब हम 80 से गुणा कर देंगे इसकी, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध मिल जाएगा, और वो कौन सा मान होगा, वो क्यू का मान होगा। समझ में आ रहा है। तो अभी हम पी का मान निकालने वाले, क्यू का मान निकालने वाले, आर एस के मान तो हमें पता ही है, बस मान याद कर लेंगे। तो प्रतिरोध निकालने का खेल है। हम देखो, हम ऐसे कहेंगे कि लंबाई AJ बराबर जो है वो 120 सेंटीमीटर है। अब चूंकि प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, वो 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है, इसलिए 120 सेंटीमीटर में प्रतिरोध कितना हो जाएगा पी बराबर, वो हम 120 की 0.1 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.1 इतने के बाद लग जाएगा, 2 के बाद 0.1 लग जाएगा, ये पी का मान आ गया। फिर हम कहेंगे 80 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर में प्रतिरोध, और वो किसका मान होगा 80 सेंटीमीटर वाला, वो कुल प्रतिरोध यहाँ से आता है क्यू का मान होगा, और वो 80 गुणा
0.1 आ जाएगा, यानी कि 0.1 यहाँ लग जाएगा। ये क्यों का मान आ गया? तब हम समीकरण एक लगा देंगे। देखो समीकरण एक से P का मान 1.2 आया है, Q का मान 0.80 आया है, आया ना तो इनका भी इतना ही था बराबर। R का मान कितना आया है? R का मान X है जो कि हमें निकालना है, और Y का मान ये 2 है, Y का मतलब S। तो ये 0.1 से तो 0.1 हट जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे तो X बराबर कुछ ऐसा नजर आएगा कि 120 × 2 बटे 4 × 8 और 4 × 3 = 12 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरीके से इस चैप्टर में अगर तुम लोग ध्यान से दोबारा से रिवाइज करो ना अपने दिमाग में, तो तीन प्रकार के टॉपिक होते हैं, तीन प्रकार के टॉपिक, ज़्यादा वाला चैप्टर नहीं होता है, तीन प्रकार टॉपिक। एक तो हमने सेल किए थे, सेल याद आ रहे होंगे, सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में, समानता क्रम में, मिश्रित क्रम में, सेल वाला टॉपिक खत्म। उसके बाद आया था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या था? किरचॉफ का नियम जो किया था वो उसी से हमने व्हीटस्टोन सेतु हल कर लिया था, और व्हीटस्टोन सेतु से ही मीटर सेतु आ गया था, यानी किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु दोनों तीनों एक चीज़ है। और एक सबसे अलग टॉपिक जो था जिसमें किरचॉफ का कोई नियम नहीं लगा है, क्या है वो इम्पोर्टेंट? विभव मापी। चैप्टर खत्म। तो तीन टॉपिक पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था सेल, सेलों का संयोजन वियोजन किया था, दूसरा किया था किरचॉफ का नियम, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, और तीसरा हमने किया था विभव मापी। और उसी से संबंधित विभव मापी से कोई सवाल नहीं आता है, विभव मापी अपने आप में थ्योरी का ही सवाल आता है। तो इतने तरीके का सवाल आते हैं, नॉर्मली 99.9% चांस है कि तुम्हारे पास किरचॉफ से सवाल आएगा, 1.001% चांस होता है कि मीटर सेतु का सवाल आ जाए, बस एक ही बार आए, आता नहीं है इससे, हमेशा किरचॉफ के नियम से सवाल आता है, बड़े से बड़ा परिपथ दे देंगे, जैसे कल तक तुम करते आ रहे थे, एक घंटे में एक ही सवाल होता है वो, तो वो 5 नंबर का वही सवाल आता है। इसका चैप्टर नंबर 6 तुम्हारा ख़त्म होता है, और सोच समझ के फिर दोबारा से मुझे बता दो कि भाई साहब तुम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो या ना हो।